सो गुड इवनिंग दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बता रखा है अपने चैनल के माध्यम से कि आप जब भी किसी भी स्टेट का आप अपना लिस्ट अगर पेंशन लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र में जाना है और पहले सर्वप्रथम आपको अपने स्टेट का नाम लिख देना है, उसके बाद लिख देना है पेंशन योजना या फिर पेंशन लिस्ट 2021। तो चलिए अब मैं प्रैक्टिकली आपको जो है क्रोम ब्राउजर में करके दिखाता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ साथ पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करें ताकि हर एक योजना से जुड़ी वीडियो को सबसे पहले मिल सके। सिंपली दोस्तों, हम क्रोम ब्राउजर पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे थ्री बिंदु पर क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइड मोड पर आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से डेस्कटॉप साइड मोड पर कर लेने के बाद दोस्तों, अब सिंपली आपको करना है क्या, यहाँ सर्च बॉक्स में क्या करना है आपको कि यहाँ पे पहले ही आप अपने स्टेट का नाम डालेंगे, उसके बाद दोस्तों जो है उसके पेंशन लिख देंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ का आज बताने वाला हूँ, तो छत्तीसगढ़ ओल्ड एज पेंशन आपको टाइप करके सर्च कर देना है। सेम इसी तरीके से आपको एक नीचे वेबसाइट मिल जाती है, यहाँ पे cgpension.nic.in। तो यहाँ पर भी हम अगर क्लिक करके देखते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट जो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आने के बाद आप अपना जो है यहाँ से ठीक तरीके से तभी चेक कर पाएंगे जब यहाँ पे आपके पास लॉगिन आईडी होगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे पेंशनर लॉगिन कॉर्नर सुविधाएं। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले इसमें लॉगिन करना होगा, उसके बाद ही इतनी सारी सुविधाओं का आप यहाँ पे जो है वगैरह देख पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस सब पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पेंशन लॉगिन कॉर्नर सुविधाएँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन करना होगा, उसके बाद हम कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास अगर कर्मचारी कोड है या फिर पीपीओ नंबर है तो यहाँ से डाल करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं एक दूसरा मेथड आपको बताने वाला हूँ, उसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दिया है, उसको आपको डायरेक्टली उस पर क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। वेबसाइट का नेम है nsap.nic.in। तो क्या है कि आपको इस साइट पर आना है और साइट पर आने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको थ्री लाइनें दिख जा रही हैं नीचे, तो यहाँ आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है जिसमें आप देखेंगे लिस्ट ऑफ रिपोर्ट में। तो यहाँ पर आपके सामने नेशनल डैशबोर्ड, उसके बाद डैशबोर्ड, उसके बाद स्टेट डैशबोर्ड। तो यहाँ पे मैं स्टेट डैशबोर्ड वाइज यहाँ पे देखना चाहता हूँ दोस्तों, किसी अन्य स्टेट का देखना चाहते हैं तो आप इस थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वरना दोस्तों, अगर आपके पास बेनिफिशियरी सर्च का ऑप्शन एक मिल जाता है, देखेंगे बेनिफिशियरी सर्च ट्रैक एंड पेमेंट डिटेल, बेनिफिशियरी ट्रैक, उसके बाद एप्लीकेशन ट्रैक अगर आपके पास है तो पेंशन पेमेंट डिटेल आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, ये थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर भी अपनाते हैं पेंशन पेमेंट डिटेल का, तो इस पर आप क्लिक कर देना। और यहाँ से इस तरीके से जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप यहाँ देख पाएंगे यहाँ पर अगर आपके पास जो है सेक्शन ऑर्डर नंबर है या फिर एप्लीकेशन नंबर है तो इस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन नेम, एप्लीसेंट नेम डाल के सर्च करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। देखिए एप्लीसेंट नेम पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अपना स्टेट और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद एप्लीसेंट नेम डालेंगे, उसके बाद ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर डाल के सबमिट करना है तो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। वहीं आप दोस्तों अगर स्टेट वाइज देखना चाहते हैं, पूरी लिस्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ देखिए थर्ड ऑप्शन मिल जाता है स्टेट डैशबोर्ड का, ठीक है, स्टेट डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है आपको। देन दोस्तों, इस यहाँ पे अब आपका आ जाता है सर्वप्रथम यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करने का। तो यहाँ से आप जिस भी स्टेट का देखना चाहते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आज छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आल स्कीम आ जाती है, यहाँ पर स्कीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपका दिया गया है। तो यहाँ पे स्कीम वाल में आपको ये वाला ऊपर वाला ऑप्शन ही जो है सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप ऊपर वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं इग्नोप्स का, तो इसे आपको क्लिक कर देना है। देन दोस्तों क्या है कि ये कैप्चर कोड अब आप यहाँ पे डालकर सबमिट कर देना है। कैप्चर कोड डाल करके यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो कुछ इस तरीके की लोडिंग प्रोसेस आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, दिखाई देगा आपको। लोडिंग होने के बाद आपका यहाँ पे पूरा ब्यौरा आ जाता है नीचे।
देन दोस्तों यहाँ पे अब पूरा ब्यौरा आपका आ चुका है। यहाँ नीचे देखेंगे छत्तीसगढ़ का लिखा हुआ है और यहाँ पे टोटल बेनिफिशियरी जो है इतने हैं और यहाँ पे देखेंगे टोटल बैंक अकाउंट कितने हैं, सारी डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए और ऊपर हम जाएंगे दोस्तों और यहाँ पे नीचे आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप जिस स्टेट के हैं अपने स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। तो डिस्ट्रिक्ट पे सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसी नेम पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने क्या इंटरफेस आता है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी और यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट, आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट लगता है दोस्तों उसे यहाँ पे अब आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको जो आपका सब डिस्ट्रिक्ट लगता होगा उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर से हमें ऊपर की तरफ इसे स्क्रॉल करके जाना है। अब देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत वार्ड दिया गया है, तो आपके जो ग्राम पंचायत वार्ड संख्या यहाँ पे देखिए बताया गया है, तो आपके जो भी ग्राम पंचायत यहाँ पे लगती है, जो वार्ड लगती है उसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस नंबर पे ही आपको क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे लिस्ट ओपन होके आएगी। तो अब पूरी डिटेल क्या है यहाँ देखेंगे, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपने जो सिलेक्ट किया है पूरी की पूरी यहाँ पे 09 और यहाँ पे नगर पालिका बेमेतारा यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है। अब क्या है दोस्तों, यहाँ ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने पूरी लिस्ट यहाँ की निकल चुकी है। यहाँ आप देखेंगे एप्लीसेंट नेम दिया गया है, फादर नेम दिया गया है, एज दिया गया है 63-65, उसके बाद स्कीम दिया गया है, मोबाइल नंबर जो लिंक होगा वो दिया गया, IFSC कोड दिया गया है, बैंक दिया गया है और यहाँ पे PFMS रजिस्टर्ड हो गया है, ये आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाती है। किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे डिटेल निकालने के लिए उस व्यक्ति के सामने जो ये नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पर आपको क्लिक कर देना है। देखेंगे थोड़ी देर यहाँ पे हमारे पास फिर से प्रोसेस का टाइम लेगा, उसके बाद इसका पूरा डिटेल यहाँ पे निकल जाएगा उस व्यक्ति का जिस भी आप पूरा निकालना चाहते हैं। फिर से हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अब बेसिक डिटेल पूरा आ चुका है, इनका नाम दिया गया है, स्टेटस एक्टिव है, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर ही आपको वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर इस ऑर्डर नंबर को आप नोट करके रख लेते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, इतना अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद फादर नेम और यहाँ पे पूरा एड्रेस देख सकेंगे और यहाँ पे एज देख पाएंगे। इस तरीके से पूरी की पूरी जो है पेंशन इफेक्टिव डेट जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, इस तरीके से पूरी डिटेल आप यहाँ पे निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। साथ ही दोस्तों आप यहाँ नीचे देखेंगे तो लास्ट पेंशन मंथ दिया गया है, तो इसका मतलब यानी कि फरवरी में इनका जो है लास्ट पेंशन आया था, उसके बाद मार्च में जब आएगा तो यहाँ पे ये शो होता जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से इस साइट के जरिए छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो बेनिफिशियरी नाम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ऐसा कर तो आपको तो वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।